नमस्कार सभी किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर। मैं ट्रैक्टर से रिलेटेड और फार्मिंग से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपको ट्रैक्टर से रिलेटेड और फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी आपको इस चैनल पर। तो मैं आज आपको जानकारी दूंगा महिंद्रा 575 DI XP+ के बारे में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ कितना प्राइस दिया गया इस ट्रैक्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के सिलेंडर की। तो भाई, ये 4 सिलेंडर में ट्रैक्टर दिया गया है, ये काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है, काफ़ी ताकतवर ट्रैक्टर भी। 47 HP इस ट्रैक्टर की दी गई है, उस पावर जो है ये ट्रैक्टर जो है आपको 2979 CC में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका इतने का इंजन है, इंजन की कैपेसिटी है। और ये इस जो PTO की HP की बात करें तो 42 HP दी गई है इस ट्रैक्टर की PTO की। ये ट्रैक्टर जो है आपको डुअल क्लच में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक की बात करें इसके गियर के बारे में, तो 8 फॉरवर्ड गियर दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में और 2 रिवर्स गियर दिए गए हैं। बात करूँ अगर इसकी स्पीड के बारे में, आगे की स्पीड जो दी गई है 31 किलोमीटर पर आवर की, इसकी आगे की स्पीड दी गई है ट्रैक्टर की, और पीछे की स्पीड दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर की। ये ट्रैक्टर जो है आपका पावर स्टेयरिंग में भी उपलब्ध है, बिल्कुल जोर नहीं पड़ने वाला आपको ट्रैक्टर चलाते पर, हाथों पर आपके काफ़ी आसानी से आप ट्रैक्टर चला पाओगे। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 1500 kg ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है। आगे के टायर जो हैं इसके 6 16 के दिए गए हैं, और पीछे के भी काफ़ी बड़े टायर दिए गए हैं इसके, 14 व 28 के पीछे के टायर दिए गए हैं। लगभग 6 ईयर की वारंटी के साथ आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा देखने को। अब बात करता हूँ इस ट्रैक्टर के प्राइस के बारे में भाई। तो भाई, इस ट्रैक्टर का जो है प्राइस जो दिया गया है 6,70,000 से लेकर के 7,10,000 तक आपको ये ट्रैक्टर कहीं भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जोर से कर दिया करें और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।